जी सैनी, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गहलोत, पूर्व कुलपति डॉक्टर लोकेश जी शेखावत, पूर्व आईपीएस श्री जेपी मिश्रा जी, विधायक रणवीर जी पहलवान, डेयरी चेयरमैन ओम जी पूनिया और अल्पसंख्यक बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जसवीर जी, श्री हिदायत काजी दौलिया और हमारे जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह जी शेखावत, और उसके साथ इतनी अथाह तादाद में आए हुए नवलगढ़ के सब महानुभाव भाइयों बुजुर्गों, आज आप लोगों को इतनी संख्या में देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि आपने बहुत सारा प्यार देकर आप लोगों को यहाँ इतने जोरदार तरीके से स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ। फिर मेरे फोटोग्राफर भाइयों प्लीज बैठ जाओ, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम है जनता से बात करना, आपका काम है फोटोग्राफ करना, मेरे रास्ते में बैठना है प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, मेरे को आपको बोलना पड़ा, मैं क्या करूँ, मेरी चीज को भी समझ जाओगे। नवलगढ़ आके मुझे हमेशा खुशी होती है, आपका ये सुंदर और ऐतिहासिक शहर, आपकी बहुत सुंदर सुंदर हवेली, जब भी मुझे देखने को होता है तो मन करता है कि ऐसा मौका भी मेरे हाथ में आ जाए कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। परंतु मालूम नहीं, आप लोगों को बैठना पड़ेगा, आप लोगों को बैठना पड़ेगा प्लीज। ऐसा मत करो, आप लोग बैठ जाओ, मैं हमेशा ये कहती हूँ आपको जब भी मैं नवलगढ़ आती हूँ, परंतु मालूम नहीं क्यों अभी तक बीजेपी का हाथ इस नवलगढ़ पे नहीं लगा है। मैं समझती हूँ कि इस बार आप उसको इसको बदल के, ये मौका बदलने का है, इस बार उसको बदल के आप लोग भेजोगे। आपके बीच में मैं आई हूँ परिवर्तन के लिए, आज सुराज संकल्प यात्रा आपके बीच में परिवर्तन लेके आया है। मैंने अब करीबन 9000 किलोमीटर और ये 137वीं मीटिंग है मेरी, कल 3 मीटिंग के साथ 140 मीटिंग के साथ ये सब बात कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 15 दिन मेरे को जोधपुर संभाग का है। मेहनत बहुत हुई है, परंतु मेहनत में इतना मजा आया क्योंकि लोगों ने इतना प्रेम दिया और हम तो इस प्रेम के ही कायल हैं। आप प्यार देते जाओ, हम दौड़ते रहेंगे। मैं तो किसी ने मेरे से पूछा कि क्यों करते हो, मैंने कहा मुझे ऐसा प्रेम मिलता है, मैं तो इस प्रेम के पीछे कुछ भी करने को तैयार हूँ। लोग ये प्रेम देते रहे, मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूँ। लोग ये प्रेम देते रहे तो कितना भी भागने को तैयार हूँ। लोग ये प्रेम देते रहे तो मेरा खून 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 भी उनके लिए तैयार है, कि मेरा ये सब पूरा परिवार को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। नवलगढ़ की मैंने जायजा लेने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने, जो मैं हमेशा और सब जगह पे पूछती हूँ, मैंने आज नवलगढ़ के अंदर भी पता लगाने की कोशिश की, पता चला कि आपके पेयजल आपूर्ति की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शहर के अंदर जनता को 15 या 20 मिनट पानी मिलता है और जल वितरण 40 साल पुराना तंत्र है, और इसीलिए जितना उसका विस्तार होना चाहिए था जनसंख्या के हिसाब से वो नहीं हुआ, और पाइपलाइनें सड़ गई है, गल गई है, पुरानी है, और इन सरकार ने परकोटे के भीतर टंकी तक को बनाने के कोशिश नहीं की है, वो टंकी भी जर्जर है। तो जर्जर पाइप, जर्जर टंकी और पानी खाली 20 मिनट मिले और इतनी भारी जोरदार संख्या, और इसके बीच में आप पानी की सप्लाई नहीं दे सकते हो। मैं समझती हूँ कि एक मूलभूत सुविधा है, ये मूलभूत सुविधा हमारी जनता के पास नहीं पहुंच सकती है तो कौन राज कर रहा है और क्या राज कर रहा है। पता किया, बिजली की आपूर्ति
बिल्कुल वाहियात, इतनी जोरदार ट्रिपिंग हो रही है कि जनता उससे परेशान है। गाड़ियों में ग्रुप के कनेक्शन के ऊपर पेपर भरवाए, कनेक्शन भरवाए और उन्होंने पैसे भी जमा कर दिए, परंतु ये सब आवेदन निरस्त हो चुके हैं। और अब कहा जाता है कि सरकार ने नीति बदल दी, मेरे रास्ते में चलते चलते आपने नीति बदल दी, पर पैसा आपने रख लिया, पैसे में कमी नहीं है। जो भी आवेदन पत्र दिए थे, उन आवेदन पत्र के जो जो आपके पैसे थे, वो पैसे तो आपने रख लिए और नीति बीच रास्ते में बदल दी। और ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कृषि क्षेत्र के अंदर भी थ्री फेज बिजली जितनी सही तरीके से जानी चाहिए वो नहीं जा रही है। और जो सिंगल फेज बिजली मैंने अलग से महिलाओं के लिए तैयार किया था, वो भी बिजली अब 24 घंटे नहीं मिलके आपको कहीं 8 घंटे कहीं 9 घंटे बिजली मिल रही है। माताएं बहने, मैंने ये बिजली आपके लिए 24 घंटे की तैयार की थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, सरकार अपनी आती है तो आप लोगों को 24 घंटे बिजली घर के अंदर मिलेगी। और ये पर्याप्त साफ पानी का इंतजाम, पाइप को बदलना और टंकी को बनाना, ये काम सरकार कर सकती है और करके आपके लिए छोड़ेगी। ये दोनों काम मैं समझती हूँ मूलभूत सुविधाओं के अंदर आती है, उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। अब बताओ आपके अस्पताल की कैसी व्यवस्था है? जो मैंने सुना है मरीजों के लिए इमरजेंसी में पर्याप्त स्ट्रेचर भी नहीं है। अरे कोई इमरजेंसी में चले जाए तो उसको उठा के उसके जन लोग आते हैं साथ में, वही अस्पताल में ले जाएंगे, स्ट्रेचर तक नहीं है। क्या हाल है आपके अस्पताल में? एक्सरे मशीन अक्सर खराब है और जनरेटर भी खराब है, इमरजेंसी का डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और इतनी बड़ी आबादी के लिए महिला डॉक्टर भी नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि महिला डॉक्टर क्या हो गया है, परंतु ये छहों संभाग जहां जहां मैंने ये पूछा है वहां मुझे ये महिला डॉक्टर कहीं नहीं मिली है। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार क्या कर रही। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपकी कैसे मुफ्त जांच हो रही है और कैसे मुफ्त दवाई मिल रही है, वो मुझे समझ में नहीं आता। जब डॉक्टर ही नहीं है तो कैसे होगा काम? और जगह जगह मैं पूछती हूँ तो जगह जगह पे लोग मुझे यही कहते हैं कि हाँ हमारे पास नहीं आया है और हमारा काम नहीं हो रहा है। परंतु जयपुर के अंदर जोरदार अनाउंसमेंट हो रहा है कि मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, सब लोगों को हम लोगों ने सब कुछ देने का काम कर दिया है। अरे मेरे को बताओ कि आपकी सड़कों की क्या हालत है, कैसे सड़कों से हम होके आ रहे हैं? अधिकांश आपकी पुरानी सड़कें और सब जर्जर हालत में, जबकि यहाँ का मंत्री है। अरे माता बहने प्लीज आप लोग यहीं बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, मैं ये फिर खत्म कर लूं। आप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ बस, वही ये तो आपके गाँव की बातें हैं, सब बैठ जाओ। क्योंकि क्या आप उठ जाते तो पीछे वालों को देखने को नहीं मिलता है। शहर के कई हिस्से के अंदर इतनी गंदगी फैली हुई है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शहर का गंदा पानी नगर पालिका परिसर में डालने का कितना बड़ा नाटक इस मंत्री ने किया था, आपको याद है? कितना जोरदार नाटक किया था। और जब सत्ता आई तो वो काम करना की करने की जरूरत थी, भूल गए। सत्ता में जब आते तो मालूम क्या हो जाता है, याददाश्त बड़ी खराब हो जाती है। लोगों को भी याद नहीं रहती, जो वादे किए होते वो भी पूरे नहीं होते। और इसी तरीके से चलता है मामला कि भाई भगवान भरोसे, भगवान भरोसे तो हम लोग चलते हैं। और हमने तो ये तय कर लिया कि हाँ ठीक है सरकार हमको मेरी बीमार हूँ, भगवान को हाथ जोड़ के यही कहा कि भगवान भरोसे हमारे इस खजाने को भरो, काम किया उसके लिए और बीमारू प्रदेश को फिर अपने पैर पे खड़ा करके आप लोगों को दिखा दिया कि 5 साल के अंदर ये काम हो सकता है। तो अगर कोई चाहे तो वो कर सकता है। ये तो इच्छा शक्ति की कमी है भाइयों, इच्छा शक्ति की कमी है। अगर चाहे ना कोई तो 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया, और उधर आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर वो कहां से कहां पहुंच गया। तो 53 साल मेरा समय निकाल दीजिए, वेलोसिटी का समय निकाल दीजिए, 65 साल में से अगर आपने 12 साल निकाल दिए तो 53 साल लगातार इस एक कांग्रेस का राज रहा है। तो 53 साल के अंदर जिस तरीके से आपको गड्ढे में डाल के इस सरकार ने रखा है, मैं समझती हूँ कि उसको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। ऐसी सरकार को जितना जल्दी हो सके उनको उतारने का काम आपको तुरंत कर दे। अभी मैं देख रही थी जगह नहीं है, मुझे मालूम है और मुझे यह भी मालूम है कि कितनी गर्मी है, परंतु मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि नवलगढ़ को शिक्षा
शिक्षा की नगरी कहलाई जाती है। सरकारी कॉलेज क्यों नहीं है भैया? आपने उनको मंत्री जी को कहा कि सरकारी कॉलेज बनवा देना चाहिए। मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि हमारी कोशिश है कि जगह जगह पे जहाँ सरकारी कॉलेजेस नहीं है वहाँ सरकारी कॉलेज को खोलने का हम लोग काम करेंगे, ताकि किसी भी हालत में हमारे बच्चों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कॉलेज में जाए और नई पढ़ाई करे। नकली बीज के घोटाला अभी तक किसान भाई को खोला है। सरकार बांटे गए बीज को बोने से कितने सरकारों किसानों की माने फसल बर्बाद हुई। मैं सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि इस सरकार ने ना तो किसान को बख्शा, ना महिला को बख्शा, ना युवा को बख्शा, ना व्यवसायी को बख्शा। पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने फिर से राजस्थान को गर्व में पहुंचाने का काम किया है। और आज परिवर्तन के नाते मैं आप लोगों को कह रही हूँ, हम चाहते हैं कि हमारी महिला इज्जत से रहे, हम चाहते हैं कि वो जब सड़क पर चले तो सुरक्षित हो, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का अन्याय और अत्याचार न हो, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जब स्कूल और कॉलेज जाती है तो हमारा दिल ऐसा धड़कता है दिन भर कि वो कब वापस आएगी, और जब वापस आती है तो हम लोग सांस लेते हैं। आज मैं देख रही थी खंडेला के पास रानोली का गुना गांव है, आपने नाम सुना होगा, आज उसमें एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार हुआ और छोटी बच्ची थी, उसके बाद भी वो उस चीज को झेल नहीं सकी और आज ही उसने कुएं में कूदकर अपनी जान ले ली। अब मुझे बताइए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन है, ये सरकार क्यों नहीं कर सकती? जो लोग हमारी माता, हमारी बहन, हमारी बिटिया, हमारी बहू की इज्जत को बचा के नहीं रख सकती, हमारी इज्जत का हमारे स्वाभिमान को पर अच्छी तरह से बचा के नहीं रख सकती, उस सरकार को तो कुर्सी पर बैठने का ना तो हक है और उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये हमारी इज्जत नहीं है, हमारी महिला की इज्जत नहीं तो हमारी इज्जत नहीं, हमारी महिला की इज्जत नहीं तो परिवार की इज्जत नहीं, और परिवार की इज्जत नहीं तो राजस्थान का नाम कट जाता है। आज देश के अंदर लोग यही बात करते हैं बार बार कि राजस्थान एक वो इतिहास गवाह रहता था ये राजस्थान की गाथाओं को सुन के, और आज राजस्थान उसके लिए लोग कहते हैं कि अच्छा, या तो सबसे ज्यादा एससी और एसटी के साथ मुसीबत होती है, अत्याचार होता है, ये देश में तीसरे नंबर पे है। इसी तरीके से मैंने देखा कि महिला उत्पीड़न में देश में हम तीसरे नंबर पे हैं, अपराधों में प्रदेश की राजधानी जयपुर देश के तीसरे नंबर पे है, एससी एसटी अत्याचार में हम लोग पहले नंबर पे है। वाह वाह वाह, क्या बात है राजस्थान की। और भ्रष्टाचार में तो आप तो देश में नंबर एक हो, मैं तो बड़ी खुशी की बात है कि आज इस स्थिति में लोग आ गए हैं कि राजस्थान को लोग जानते हैं उस प्रदेश, वो प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। कितनी शर्म की बात है, हम राजस्थानी के जो राजस्थान के जो लोग हैं, चाहे भले कितने भी गरीब हो, परंतु हम अपनी इज्जत और हमारे स्वाभिमान पे मरते हैं, और जो लोग हमारे स्वाभिमान को कीचड़ में मिलाने का काम करते हैं उनको कोई भी यहाँ जो बैठा है बख्शेगा नहीं। पर याद रखेगा कि जिन लोगों ने राजस्थान के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है उनके वोटों के साथ भी हम लोग खिलवाड़ करना जानते हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने सबको ये कह दिया है, यहाँ की समस्या है मेरे पास देखे लिया। ज्यादातर तो मैं जानती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में आती जाती रहती हूँ, मेरे पास ये खबर आती है। अब ये जो बच्चे हैं, मैं सब बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ते हो, लिखते हो और कॉम्पिटिशन में बैठते हो और आपको लगता है मन के अंदर कि हम लोग नौकरी रोजगार ले लेंगे तो अपने परिवारों को संभाल सकेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज ये टेट और ये सब लोग जो करके रखे हुए हैं, जिस तरीके से परीक्षाएं कर दी है, किसी को जिला के अंदर कर दिया, किसी को और कहीं कर दिया है, खाने पीने का जरिया बने इसलिए ये सब कर दिया है, कोर्ट में जाके मामला अटके इसके लिए ये कर रखा है। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बहुत सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आरपीएससी के द्वारा हमारा काम चलता था, उसी तरीके से फिर से हम आरपीएससी को वापस देंगे या सरकार जब आएगी ताकि हमारे बच्चों को नौकरी का इंतजाम अच्छी तरह से हो जाए, उसी तरीके से दर दर भटकने की जरूरत ही न हो। मैं मेरे किसान भाइयों को यह कहना चाहती हूँ कि आज ना तो बिजली है ना तो पानी है। मैं देख रही थी बिजली की स्थिति, आपको मैं भाइयों को बता दूं, इस वित्तीय वर्ष में 75,000 कृषि कनेक्शन देने की इस सरकार ने घोषणा की थी,
परंतु मेरे 13,000 इस वित्तीय वर्ष में 50 गांव में विद्युतीकरण करना था, कि ये सिर्फ 8 इस वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवार को कनेक्शन देने वाले थे और दिए सिर्फ 6,000 अपने वायदे पे। ये एक ही ऐसी सरकार है जो वायदे करती है पर उसके ऊपर कभी अमल नहीं करती, और जो लोग वायदा करते हैं लोगों को झूठ और फरेब के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं उनको उस कुर्सी पे बैठने का हक है क्या? आप लोग सब जानते हो, और मैंने महिलाओं का बता दिया आपको, युवाओं का बता दिया, मैं सब देख रही हूँ कि गांव को और शहर के बीच में लंबी चौड़ी खाई बनाने की कोशिश हो रही। हम लोगों ने तब भी और अब भी ये कहा है कि शहर और गांव के बीच में होना ही नहीं चाहिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये कोई भी जो दरारें हैं उनके बीच में से हट जाए और लोगों को जोड़ने का हम लोग काम करें। ये राजस्थान तो तब आगे बढ़ेगा जब पूरा परिवार उसमें लगेगा। मेरी तरफ लोग देखते हैं कहते हैं आप ही करो, मैंने सबको ये कह दिया कि मैं तो एक हूँ, मैं तो आपको दिशा दिखा सकती हूँ, मैं आपके सामने भाग सकती हूँ, परंतु जादू मेरे हाथ में नहीं है, जादू आपके हाथ में है। जिस दिन आप वो जग जाओगे और ध्यान आएगा कि ये जादू अपने हाथ में है, और राजस्थान अगर नंबर एक प्रदेश बनेगा वो जादू आपके हाथ में है। जिस दिन आप उसे कर लोगे और पूरा का पूरा राजस्थान 36 के 36 गांव और सब के सब मजहब एक साथ प्यार से आगे बढ़ जाएंगे तो कोई नहीं है जो आपके रास्ते में आके आपके विकास को कहीं भी रोक सकता है। अरे भाइयों, बिहार का तो आप लोग सब जानते थे, राजस्थान का भी सब जानते थे। राजस्थान का विकास दर और बिहार का विकास दर ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम इनको एक तरह से देखेंगे। आज मैं बताना चाहती हूँ कि बिहार का विकास दर 16% हो चुका है और राजस्थान का विकास दर 5%। इसीलिए रोज यहाँ से इंडस्ट्री उठ उठ के चली जा रही है। पर मैंने ये देखा कि जहां जहां दौरा हुआ उस दौरे के अंदर जो जो हम लोगों ने कहा उसको पूरा करने के इन लोगों ने, मैं गई थी नागौर, मैंने जायल के अंदर कहा कि यह पानी आ जाना चाहिए था। हम जाने से पहले 800 करोड़ की पानी की स्कीम वहां देके गए और हमने ये कहा था कि 5 साल और निकल जाएंगे तो पूरे नागौर के अंदर इंदिरा गांधी नहर का पानी लाके हम सबको पिलाएंगे। ये 5 साल कुछ नहीं कर सके। जायल से मैं निकली, सोनिया गांधी पहुंची पिता काटने के लिए, शिलान्यास करने के। मैं गई सूरतगढ़ तो एक तुरंत उनको याद आ गया कि बिजली अपने को करनी चाहिए, वहां जाके शिलान्यास कर गए। मैं गई गंगानगर तो एक दिन पहले मेडिकल कॉलेज का करार हो गया। अरे इतने दिन से चल रहा था, पहले क्यों नहीं किया? परंतु उनको लगा कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि लोगों बात में आ जाएंगे। मैं अभी स्टीकर में से निकल के आ रही हूँ तो मैंने क्या देखा कि 26 करोड़ मैंने दिए थे वहां की सीवेज लाइन के लिए, तो सीवेज लाइन तो पूरी खोल के रख दिया था। स्टीकर आप कैसा था आपको सब जानते हो, परंतु इतने जल्दी जल्दी उसके ऊपर रास्ता बना दिया और उसको बंद कर दिया। और आप फिर से आपको 26-30 करोड़ लगेंगे कि अगर सीवेज लाइन को फिर से डालना है तो डबल खर्चा करने का काम इस सरकार ने कर दिया है। परंतु उनको कोई चिंता ही नहीं है, ये तो आपका पैसा है और आपके पैसे से तो वो खिलवाड़ करते ही है, अपने जेब भरते हैं। भ्रष्टाचार तो क्या बताए, कैसा भ्रष्टाचार! देश का दामाद आया तो उसके पहले सामने हम लोग सब फैल गए। हम उनको ले गए बीकानेर में, हम ले गए उनको जैसलमेर और बाड़मेर में। उनको 10,000 बीघा जमीन चाहिए थी, उनको आराम से सस्ते दाम पे वो दिला के महंगे दाम पे बेच के वो चले गए। हमारे किसानों के लिए हम नहीं दे सके, 1 बीघा 2 बीघा नहीं दे सके, परंतु इन लोगों के लिए जितना राजस्थान बेच के अगर देने की जरूरत पड़ी तो हमारे मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने सब ने करने की कोशिश की। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा हक है, हमारे राजस्थान के किसानों का हक है, और अगर उनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ सब लोगों को कि यहाँ इस पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे सैनिक हैं। मैं सब लोगों को कहते आ रही हूँ कि कारगिल के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरे को कहा था, हेलीकॉप्टर ले जाओ और चले जाओ सब शहीदों के घरों पे, जिन शहीदों के घरों पे पूरी तरह से समस्त तरीके से, और ये कह के अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे भेजा है, एक एक घर में जाके उन शहीदों का सम्मान करो। या एक भी घर नहीं है मैं नहीं समझती हमारे शेखावाटी इलाके के अंदर जिस घर के अंदर मैंने गई और जहां शहादत हुई, और ये इसीलिए की थी क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तभी कहा था कि ये लोग हैं जिनकी वजह से हम हंसते खेल सकते हैं, ये लोग हैं जिनकी वजह से हमारा भविष्य सुरक्षित है। और इसीलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ, पूर्व सैनिकों के अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए, मान सम्मान और समस्या समाधान के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। और आपने जो विश्वास
सब सैनिकों ने जो हम लोगों को सिखाया है, हम उनको कहना चाहते हैं कि हम उसके ऊपर खड़े उतरेंगे और उन लोगों को भी ध्यान देते हुए हमारे एक परिवार के अंदर जोड़ने का काम करके उनको भी साथ लेके नया राजस्थान बनाने का काम करेंगे। अब आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि समय आ गया है, 4.5 महीने बाकी बच रहे हैं। सब लोगों को लग रहा है कि हम लोग क्या काम करेंगे। किसानों का मैंने देख लिया, जो नवलगढ़ के अंदर भी हो रहा है, सीकर के अंदर भी हो रहा है, बड़ी बड़ी सीमेंट की प्लांट लगाने की बात चलती है तो किसानों को और किसानों की जमीन सस्ते हालत पे लेने की है। आपके यहाँ भी हो रहा है ना, नवलगढ़ के अंदर भी हो रहा है। यह अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा तो हम नहीं देंगे। हमने जो सबको कह रखा है, गुजरात में ये हुआ है, राजस्थान में भी हम लोगों ने ये किया है, तो मैं ये समझती नहीं हूँ कि अगर मुझे कोई अच्छी जमीन लेने की जरूरत पड़ रही है तो मैं उनको अच्छा पैकेज क्यों नहीं दे सकती। ये तो वही बात हुई कि जयपुर के अंदर तो हमने बता दिया कि किसानों को पारा पड़ा तो इसलिए हमने बहुत अच्छा मुआवजा दे दिया, और सच्चाई ये है कि किसी को कुछ नहीं मिला। मिला कुछ? किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। मैं देखते आ रही और फिर लोग लुभावनी बातें, पहले तो आपको लुभाएंगे, कहेंगे आपको कि आपको आना है तो आप बता दीजिए क्या चाहिए। सोने का महल चाहिए तो सोने का महल ले जाओ, दूध की नदी चाहिए तो वो भी ले जाओ, और नहीं तो चावल की जगह में पैसे ले जाओ, और अगर साइकिल है तो साइकिल की जगह में पैसा ले जाओ, लुगड़ी है तो लुगड़ी की जगह में पैसा ले जाओ, और अगर बच्चे हैं तो उनके कुर्ता पजामा भी ले जाओ, और अगर उनके कुर्ता पजामा नहीं काम करता है तो आप साथ में प्लेट और दो कटोरी भी ले जाओ, मैंने कुछ भी ले जाओ, और ऊपर से आपको पेंशन चाहिए तो पेंशन भी ले जाओ, मैंने सब कुछ ले जाओ। और हमारे दफ्तर में जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे कि आप सब चौपट कर जाओ, ऐसी भी स्थिति न हो, भगवान करे कि आप लोगों की वजह से और जिस तरीके से सरकार कर रही है इसकी वजह से किसी की तनख्वाही ना मिले, ये भी स्थिति हो रही है। और जब बात आप अच्छी तरह से नहीं मानोगे तो फिर इस तरीके से मानने का काम चलेगा। इसमें क्या हुआ कि एक गणना, आर्थिक गणना की बात आई सबके सामने, तो इन्होंने चिट्ठी लिखी आर्थिक गणना के आंकड़ों में 2012 में 20% की गिरावट आई। तो भाई और बहनों, गिरावट आई तो वो क्या करेगा, वो तो सच ही बोलेगा। उसने कहा वो गिरावट आई तो उसने लिख दिया कि गिरावट आई। तो इन्होंने लिखा अफसर ने कि अतः आप अपने क्षेत्र का गणना रिकॉर्ड पुनः प्राप्त कर उद्यमों को सही आकलन करके प्रपत्र को सुधार करके 3 दिन में पुनः प्रस्तुत करें, और नहीं करोगे तो मानदेय पर विचार नहीं किया जाकर अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मैंने डराया जाएगा कि आप झूठ बोलो जनता को, बताओ जनता को कि ये काम नहीं हो रहा है, बता दो जनता को कि राजस्थान बिल्कुल ठीक है, जब सब लोग जानते हैं कि राजस्थान की क्या हालत हो रही है। तो आप लोगों ने भी सपना देखा है, मैंने भी सपना देखा। हम लोग सब चाहते हैं कि एक ऐसा नया, एक ऐसा सुंदर, एक ऐसा समृद्ध, एक ऐसा खुशहाल राजस्थान बन जाए जिसके अंदर हमारी महिलाओं की जगह हो, जिसके अंदर हमारे बच्चे उनको रोजगार मिले, जिसके अंदर हमारे किसान मजबूत बन जाए और जिसके अंदर व्यवसाय को काम मिले। क्या आप लोग सब नहीं चाहते हैं? सब लोग ये चाहते हैं, और अगर सब लोग ये चाहते हैं तो इनकी बातों में अपने को नहीं आना है। ये पैसा आप ही का है, प्लीज ले लो, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो ये काला धन में जमा हो जाएगा। वो जो स्विस अकाउंट्स हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है वो सब वो जाके काला धन में हो जाएगा, इसलिए ले लो। परंतु जब जाते हो उस समय समझ के जाना कि वोट के टाइम है, वोट के टाइम में हम अपने आप अपने साथ कुठाराघात नहीं करेंगे। हम राजस्थान प्रदेश को नया प्रदेश बनाने के लिए सब लोग वचनबद्ध हैं और परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। सब लोग मिलकर करेंगे, हिम्मत के साथ करेंगे, तैयारी के साथ करेंगे। आप लोग अगर तैयार हो तो मुझे बताओ, है तैयार सब? आ रही है ये पोता।